अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां वकालत की प्रैक्टिस कर रही एक वकील युवती ने लसोड़िया इलाके में अपनी जान दे दी। मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद इंदौर में रहकर प्रैक्टिस कर रही थी। युवती के पिता की बीमारी के चलते कई साल पहले मौत हो चुकी है। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट मिला है, इसमें उसने अपनी मर्जी से जान देने की बात लिखी है। नोट में उसने किसी पर भी किसी तरह का आरोप नहीं लगाया। रश्मि भोपाल के अरेरा कॉलोनी की रहने वाली थी। टीआई संतोष दूधी के मुताबिक स्कीम नंबर 78 के हर्षदीप मेंशन में रहने वाली रश्मि शुक्ला का सब मंगलवार देर शाम फ्लैट में लटका मिला। पुलिस के मुताबिक सबसे बदबू आने के चलते कमरे को सील कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। रश्मि की चचेरी बहन श्रुति दुबे ने मामले में पुलिस को सूचना दी थी। रश्मि के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में रश्मि ने मानसिक तनाव में आने की बात लिखी है। रश्मि की बहन श्रुति ने बताया कि रविवार को उसकी आखिरी बार बहन से बात हुई थी। मंगलवार को कजिन निक्की शुक्ला का कॉल आया और बताया कि रश्मि कॉल रिसीव नहीं कर रही है, जिसके बाद 6:30 बजे फ्लैट पर जाकर देखा तो वह फंदे पर झूल रही थी। रश्मि करीब 3 साल से इंदौर में रह रही है। रश्मि के पिता रजनीश शुक्ला की बीमारी के चलते करीब 7 साल पहले मौत हो चुकी है। वे प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े थे। रश्मि के परिवार में एक भाई श्री शुक्ला भी हैं, जो अपनी पत्नी के साथ लखनऊ में रहता है। पुलिस ने उसे सूचना दे दी है। भाई ने आज दोपहर तक इंदौर पहुंचने की बात कही है। रश्मि की मां शोभा गृहिणी है, जो नेपाल दर्शन करने गई हुई है। उन्हें भी मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के मुताबिक रश्मि ने उड़ीसा से लॉ की पढ़ाई की थी। इसके बाद इंदौर के लेडेक्स कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस के साथ नौकरी कर रही थी। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है, जिसकी जाँच की बात की जा रही है। ये अभी शाम को 7 बजे करीबन एक सूचना मिली कि 78 हर्षदीप मेंशन अपार्टमेंट है, उसके फ्लैट नंबर में एक महिला की लाश फांसी लगा के लटकी हुई है, उसमें बदबू आ रही है। तो सूचना पर मौके पर जाकर देखा, FSL पार्टी को बुलाया तो मृतका रश्मि, पिता रंजनी कुमार शुक्ला, उम्र 29 साल, निवासी अरेरा कॉलोनी भोपाल, हाल पता हर्षदीप मेंशन, स्कीम नंबर 78, वहाँ वकालत की पढ़ाई कर रही थी, जो ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। लाश को MBH भिजवा दिया गया है। सर क्या कारण आया है? कुछ कारण उसके सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें अभी तक ये आया है प्राथमिक जांच में कि उसके द्वारा जीवन से तंग आकर आत्महत्या की है। सर की वजह रही है? वजह अभी कोई ज्ञात नहीं हुई है, आगे कल उसके घर वाले आएंगे तब जाके जानकारी मिल पाएगी। सर बता रहे कुछ पुरानी बीमारियों से भी वो? हाँ, बीमारी के कुछ दस्तावेज मिले हैं, अब उसमें भी देख जांच करना पड़ेगी क्या बीमारी थी। कौन सी क्लास में?